डिफाइन करो इसको, क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन विकार? हिंदी में मेंडेलियन विकार बताओ क्या होता है, मेंडेलियन विकार हिंदी वाले हिंदी बताओ क्या होता है, बताओ मेंडेलियन विकार क्या बोलेंगे? अगर कोई जेनेटिक लेवल मतलब जीन के लेवल पे अगर कोई म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, जीन के लेवल पे कोई म्यूटेशन हो जाए, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये किस तरह का डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, क्यों? क्योंकि ये जीन पे एक पर्टिकुलर जीन पे म्यूटेशन हुआ है, जीन के न्यूक्लियोटाइड में क्या हुआ है, चेंज आ गया है, इसके वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या रीजन है इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर का? पहला तो जीन पे चेंज हो जाता है, दूसरा जो मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, तो मेंडल का जो वंशागति का नियम है उसको ये फॉलो करता है, जो डिजीज इसके अंदर आती है, जो भी बीमारियां इसके अंदर आती है, वो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को यानी मेंडल के वंशागति के जो नियम है उसको फॉलो करके इसे हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये भी हमने देखा था दो तरीके के होते हैं, अल्फा बोल रहे थे
फोटो रिवाइंड कर दिया है। बाकी जहां दिक्कत तो हिंदी में है और नहीं समझना उसको, ये नहीं है कि एकदम रिजिड हो जाता है कि नहीं हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। फिर जब देखो कोई कोचिंग हो के आगे आप बता हम लोग हिंदी में पढ़ाते हैं, इतनी बड़ी यहाँ पर तो हम लोग हिंदी में थोड़ा बहुत पढ़ा भी देते हैं, एक बड़ी कोचिंग में जाके देखना एक वर्ड हिंदी में नहीं बोलेंगे। अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तन चाहिए, हम लोग क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग को हिंदी पढ़ाने में मजा आया। तुम लोग दोनों चीज़ ऐसे तुम लोग कनेक्ट कर पाए, हिंदी तुम लोग बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है और हिंदी बिल्कुल आती है, तो दोनों को कनेक्ट करो आगे चलकर तुमको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहीं से डिजिबिलिटी दिखाओ कि भैया हम लोग तो हिंदी में पढ़े हैं और अब तो योगी जी कह भी है कि मेडिकल की किताबें हिंदी में ट्रांसलेट करा देंगे, हमें वीडियो सब हिंदी में करेंगे, दवाई का प्रिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, डेंगू दो गोली सुबह दो गोली शाम। अभी हुआ था वायरल एमपी का कोई डॉक्टर तो उसने लिखा था हिंदी में, अब उस चीज को नहीं रिलीड होता है, गवर्नमेंट आएगी दूसरी दूसरी बदल गई, तो हमको ऐसे लैंग्वेज को लेकर चलना है जो यूनिवर्सल हो, इंडिया में विदेश में जाए तो हमारी वैल्यू है, हिंदी पढ़ लिए तमिल लैंग्वेज का अपना दवाई लिखा हिंदी में लिख के दे रहा हूँ ओके। अपने आप को थोड़ा बहुत डिजाइन हो गया पहले से ही पढ़ते हैं हम लोग, पढ़े आउट ऑफ जोन वाले ये चीन
ग्लूटामिक एसिड बनेगा। अगर ये रहेगा जी ए जी रहेगा तो कौन सा एसिड बनेगा? ग्लूटामिक एसिड बनेगा। परंतु इसमें चेंज आ जाता है, इस ए की जगह पे यू आ जाता है, ठीक है, इस ए की जगह पे यू आ जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये जो नया वाला बनेगा इसमें क्या बन जाएगा? जी यू जी बनेगा। और जी यू जी किसको कोड करेगा? एक दूसरे अमाइनो एसिड को कोड करेगा, जिसको बोलेंगे वैलिन। अब जब वैलिन बन जाएगा तो यहां पे सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वैलिन के फॉर्मेशन होने की वजह से इसके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। इस एक चेंज की वजह से, मतलब यहां पे क्या था, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था पर उसके अंदर वैलिन हो गया। तो इस एक परिवर्तन की वजह से क्या इसका इंपैक्ट पड़ा? इंपैक्ट ये पड़ा, हमको पता था कि ये जो हीमोग्लोबिन, इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। ऑक्सीजन क्या करता है? ठोक के ले जाता है, हमारे लंग्स के पास आता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन पकड़ता है, उसको लेके खा जाता है, सेल्स के पास लेके जाता है, कोशिकाओं के पास लेके जाता है। जब वो ढो ही नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वही पता, यही ऑक्सीजन रिलीज होके ले जाता है, यही ऑक्सीजन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में उसको तोड़ के ब्रेक डाउन करके एनर्जी फॉर्मेशन में, खाना में खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाता है, इसी ऑक्सीजन की वजह से बनाता है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी होने लगेगी, ऊर्जा की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो सिंपल चीज है, इसके स्ट्रक्चर में यही परिवर्तन हो जाएगा तो जो ढोने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पहले अगर चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके जाता होगा तो अब दो या तीन लेके जा पाएगा। तो इस कंडीशन में और जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे ज्यादा, मतलब हम लोग कहीं दौड़ गए, दौड़ेंगे तो एनर्जी की जरूरत ज्यादा, मतलब हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जब ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हमारी जो ये सेल है ये तो उतना कैरी कर नहीं पा रही, तो ये अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर देगी। ऐसे जो थोड़ा गोल बना ये कुछ इस तरह, ठीक है। अब ये क्या करेगा? हसिया के आधार पर जाएगा। हसिया सबने देखा है ना, घास वास जैसे काटते हैं ना, उसको इंग्लिश में सिकल, हसिया के आधार पर इस आकार का ये हो जाएगा चेंज। ये सर्कल वाला चेंज इसमें हो जाएगा। कब होगा? जब ये दौड़ रहा है, मतलब ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करना, ज्यादा इसको एनर्जी की जरूरत है, तो इसको कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम हो गई, तो ये कोशिश करेगा ना, वो जो सेल है ये कोशिश करेगा मैक्सिमम ऑक्सीजन को हम ले पाए, इसके लिए अपने क्या कहते हैं स्ट्रक्चर में अपने आकार में परिवर्तन करेगा, चेंज करेगा। और किस तरह? सिकल से, सिकल, ठीक है। सिकल मतलब हसिया, हसिया आकार का बनेगा। कौन? ये आरबीसी, मैं पता नहीं ये हीमोग्लोबिन किसमें है, आरबीसी में ही तो प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल में ही प्रेजेंट है ना, ये ज्यादा ले जा रहा है। अब देखो समस्या क्या है, इस आकार में हो गया तो हमारा जो नली है वो कुछ इस तरह की है, पहले इस तरह से मूव कर जाते थे हमारे, पर अब इसकी जगह इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है। अब मूवमेंट का जरा स्लो हो जाएगा, काफी स्लो हो जाएगा, लड़के यहाँ पर लड़ी है धीरे धीरे, पहले बहुत स्पीड से जा रहा था, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी बीमारी को क्या करते हैं? सिकल सेल अनीमिया कहते हैं, लड़कियों में बहुत ज्यादा ये, सॉरी डबल, लड़कों में ज्यादा मिलती है, लड़कियों में कम मिलती है, सिकल सेल अनीमिया है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ होता है लड़के लड़के हम कलर ब्लाइंड, ठीक है। ये तो ऑटोसोमल है ना, सिकल सेल अनीमिया कैसा है? ऑटोसोमल डिजीज, ठीक है। तो इसमें लड़कों लड़की कोई दिक्कत नहीं है। अनीमिया अगर बोला जाएगा, सिकल सेल अनीमिया की बात करें, सिर्फ अनीमिया की बात करें, तो इंडिया के 90% गर्ल्स में अनीमिया, 90% लड़कियां। डाइट बहुत बड़ा रीजन है, क्या है? खाना, घर में लड़का होता है लड़कियों की क्या किया जाता है, एक गिलास दूध आता है तो लड़के को पूछा जाता है, जनरल फैमिली में होता है, ये प्रॉब्लम है, फंसने वाली बात नहीं, ये समस्या है हमारी सोसाइटी की, कोशिश कर, हर फैमिली में नहीं होती है, बोला 90% 80% फैमिलीज में अभी भी होती है, गाँव की फैमिलियाँ हैं अभी भी लड़कियों का पहला जो चीज़ आया पहले लड़कियों को प्रेफरेंस दी जाती है, गलत है, बिल्कुल गलत है, मगर दी जाती है। सबने देखा होगा, अपने घर में होता है, सबके घर में होता है, अब वो कह रहे हैं नहीं होता है हमारे, वो जो उस मानसिकता से हमारे माता पिता में है, तो बच्चों को लड़के को पढ़ाने बाहर भेज देंगे, लड़के को पढ़ाने नहीं देंगे, तो डाइट वगैरह में भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो पहला लड़कों को दिया जाता है, तो उस केस में जनरली लड़कियों का जो हेल्थ होता है लड़कों के अपेक्षा थोड़ा सा वीक होता है, प्लस उनके में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आती है, ब्लड रिलीज होता है, इसके चक्कर में जो ब्लड का अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इससे 90% लड़कियाँ एनीमिक होती है इंडिया की, इसलिए इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनीमिया है। तुम किसी भी लड़की का हीमोग्लोबिन टेस्ट करो
किसी भी लड़की का, तो उसमें 9, 8 करीब आया, 7 तक आता है जो इंसुलिन का वो था। अच्छा थैलेसीमिया पढ़े थे, थैलेसीमिया से सिकल सेल एनीमिया में आ गया, सिकल सेल एनीमिया पर फिर से पढ़ाई समझ में आ गया। अब देखो थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में ये जो कभी यहां पर क्या था कि जो हमारा हीमोग्लोबिन बन रहा है इसका क्वालिटी खराब है। ये क्या खराब है, क्वालिटी खराब है। क्वालिटी का मतलब समझते हो, शुद्धता। हां प्योरिटी, प्योरिटी नहीं बोलेंगे, क्वालिटी मतलब क्या बोलेंगे, शुद्धता। हां नहीं, क्वांटिटी होता है नंबर, नंबर मतलब क्वांटिटी, और क्वालिटी मतलब शुद्धता। कैसे की शुद्धता बोल सकते हैं, गुणवत्ता है यानी कि गुणवत्ता, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। अब इसमें क्या होता है, क्वालिटी खराब हो रही है, बंद हो जितना लगवा 100 ही हीमोग्लोबिन बनता है, ऐसे बना है 100 बनना हो 100 ही बनता है, पर ये 100 बनता है कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं जितना होनी चाहिए। यही होता है ना सिकल सेल एनीमिया, मतलब बोल वाली बननी चाहिए, 100 बोल वाली बननी चाहिए, पर 100 नहीं बन रहे हैं, मतलब 100 रहे पर बोल वाली नहीं बन रही, मतलब कैसे बन जाए सिकल सेल के बन जाए, तो क्वालिटी में खराबी होने की गुणवत्ता में कमी आ गई है, तो सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी खराब होती है। किसकी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की क्या होती है, क्वालिटी खराब होती है। वही पर थैलेसीमिया में क्वांटिटी में चेंज आ जाता है, क्वांटिटी में चेंज आ जाता है, क्वांटिटी का मतलब नंबर में, संख्या में, संख्या में, नंबर में, मतलब जितना बनना चाहिए उससे यहाँ पे मान लो 100 बनना चाहिए, यहाँ पे 100 नहीं बनेगा, यहाँ पे 80 नहीं बनेगा, 70 नहीं बनेगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। किसमें, थैलेसीमिया। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है, एक में क्या हो रहा है क्वालिटी खराब हो रही है, मतलब सिंपल सी चीज है, अगर 10 बुक छाप रहे हैं तो 10 बुक में 10 ऐसे 5-6 बुक हैं इनके पन्ने कहीं सफेद रहे, कहीं मुड़े रहे, ऐसी कंडीशन है, और इस वाले में 10 बुक छुपी नहीं रही, इसमें 6-7 बुक छप रही है, समझ में, क्वालिटी और क्वान्टिटी में डिफरेंस। तो तुम्हारे थैलेसीमिया में हमेशा क्या होता है, क्वान्टिटी में कम आता है, नंबर जो होते हैं कम हो जाते हैं, यहाँ पे नंबर तो जितने बनते हैं उतने बनेंगे, बट क्वालिटी खराब रहेगी, गुणवत्ता खराब रहेगी, सिकल सेल एनीमिया। ये थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं, थैलेसीमिया में क्वांटिटी कम होगी, मतलब नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर आपने सिकल में मुझे, अरे सिकल क्या दिखा रहा, ये बीच में छूट गया था भाई, थैलेसीमिया ऊपर वाला। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम लोग इसकी बात करें, इसमें अल्फा चेन और बीटा चेन, देखो दो यहाँ पर क्रोमोसोम होते हैं, तो एक नंबर याद रखना है, बीटा चेन में बताता हूँ, यहाँ पे दो क्रोमोसोम काम करते हैं, एक होता है तुम्हारा अल्फा चेन, अल्फा चेन को क्रोमोसोम नंबर 16 में कुछ जीन पाए जाते हैं, वो उसका उसको मतलब मैन्युफैक्चर करके बनाते हैं, और बीटा चेन इसके लिए जो जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 फिर क्रोमोसोम नंबर 11 में पाए जाते हैं जो बीटा चेन बनाते हैं। ये मिटा दिया, अल्फा चेन बनाने के लिए 16 वाले क्रोमोसोम पे और बीटा चेन बनाने के लिए क्रोमोसोम नंबर
थैलेसीमिया में इसी बेसिस पे दो टाइप में बांट देते हैं, एक और बोल देते हैं थैलेसीमिया अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया का मतलब जिसमें अल्फा चेन नहीं बन पा रही, जिसमें अल्फा चेन नहीं बन पा रही है उसको बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया, और इसको बोलेंगे हम लोग बीटा थैलेसीमिया। मतलब कि यहाँ पे बीटा चेन नहीं बन पा रही उसको हम लोग क्या बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा बीटा थैलेसीमिया किस क्रोमोसोम नंबर पे म्यूटेशन की वजह से होता है तो क्या बताएंगे, हां और बोले अल्फा थैलेसीमिया किस 66 ठीक इतना तो समझ में आया सबको। अब देखो दूसरी चीज, ये अल्फा थैलेसीमिया जो होता है इस कंडीशन में क्या होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे म्यूटेशन और क्रोमोसोम नंबर 16 पे म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन होने की वजह से अल्फा चेन जितनी बननी चाहिए उतनी बनती नहीं है, द नंबर ऑफ अल्फा चेन रिड्यूस, नंबर ऑफ अल्फा चेन रिड्यूस, मतलब हो गया कि अल्फा चेन जो बन रही है उसकी संख्या में गिरावट आ जाती है, ठीक है, अल्फा चेन की संख्या जितनी बननी चाहिए उतनी न बनती बल्कि उसकी संख्या में क्या होती है गिरावट आ जाती है, ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, ठीक क्लियर। और वही जस्ट यहाँ पे क्या होगा बीटा थैलेसीमिया में जस्ट इसका बोलते हैं यहाँ पे तो नंबर ऑफ बीटा चेन है, नंबर ऑफ बीटा चेन रिड्यूस, रिड्यूस बीटा बीटा चेन की संख्या में क्या होती है गिरावट आ जाती है कमी आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। बेसिकली इतना क्लियर है, इसमें भी समस्या होगी कि आरबीसी में कमी हो रही है, मतलब कि यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम होगा ब्लड कैरी करने की जो कैपेसिटी है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। भैया सिंपल सी चीज है अल्फा चेन बन नहीं रहा है मतलब कि हीमोग्लोबिन की संख्या क्या हो रहा है कम हो जा रही है, एक आरबीसी में जितना हीमोग्लोबिन पाया जाए उतना हीमोग्लोबिन नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसका काम क्या है कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाकर छोड़ना और ऑक्सीजन उठा के सेल के पास आना, तो जो अगर मान लो एक मेरा हाथ काट दिया जाए तो मेरी जो फंक्शनिंग है वो कम तो हो जाएगी ना, उसमें भी यही हो रहा है कि अल्फा चेन का नंबर कम हो जाएगा फंक्शनिंग क्या हो जाएगी कम हो जाएगी कम आरबीसी बनेगा, तो फिर कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर पाएंगे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा पाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी की प्रॉब्लम होगी, सिंपल है इसमें कुछ नहीं बस इतना ही समझना है, समझ गए। अगला डिजीज है कौन सा बच्चा है फिनाइलयूरिया, बता अगला डिजीज है फिनाइलयूरिया, ये सब लोग कौन से पढ़ रहे हैं मेंडेलियन पढ़ रहे हैं या क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहा है मेंडेलियन ना मेंडल वाला जो मेंडल के नियमों को पालन करता है वही वाला डिजीज पढ़ रहा है ना। अगला है तुम्हारा फिनाइलयूरिया, ठीक है बीमारी है इसका नाम है फिनाइलयूरिया, ठीक बीमारी है क्या नाम है फिनाइलयूरिया, ठीक पढ़े इसके बारे में क्या होता है इसका बताया आपको सर, फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्साइड होता है, फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्साइड एक एंजाइम होता है जो निकलता है, होता क्या है फेनिल एलिनिन, ठीक है ये कन्वर्ट होता है एक जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, नॉर्मली ये कंडीशन होती है कि जो फेनिल एलिनिन होता है इसको कन्वर्ट होना होता है टाइड्रोक्साइड, केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है फेनिल एलिनिन को कन्वर्ट होना होता है किसमें टाइड्रोक्साइड, लेकिन इसको कन्वर्जन करने के लिए इसको इसमें बदलने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम होता है फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज, जब ये एंजाइम प्रोसेस रहेगा तभी ये फेनिल एलिनिन टाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट, सिंपल है इतना फर्क है यही फेनिल एलिनिन अगर टाइरोसिन में कन्वर्ट होना है तो ये एंजाइम होना चाहिए, अच्छा ये एंजाइम नहीं है फेनिल एलिनिन टाइरोसिन में कभी कन्वर्ट हुआ कि नहीं, तुम लोग के बारे में अगर परीक्षा लिया जाए कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, धीरे धीरे होगा बट बहुत ज्यादा स्लो स्पीड से होगा, ठीक है क्योंकि एंजाइम का काम क्या है
सिर्फ उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, तो ये नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं एकदम बंद भी हो जाएगा, और ये कि एकदम स्लो स्पीड से होगा जिससे हमारे बॉडी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये अब इस बीमारी में क्या होता है, ये जो एंजाइम है इसका फॉर्मेशन बंद हो जाता है, ये बनता है सिंपल सा है, ये फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनना बंद हो जाता है। इसके वजह से क्या होगा कि ये टाइरोसिन में चेंज नहीं आएगा, और टाइरोसिन बहुत सारे अलग अलग चीजों में चेंज होता है, इसकी वजह से जो बीमारियां होंगी पहला काम आएगा मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब दिमाग का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, ब्रेन का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाएगा, मतलब कि लड़का हो जाएगा 20 साल का, बस हो जाएगा किसकी तरह 10 साल के बच्चे की तरह सोचेगा, ठीक है 20 साल में उसको पढ़ना चाहिए, नीट की तैयारी करनी चाहिए, तो किसकी तैयारी करेगा भाई, वन टू थ्री और बुरा मार्क्स सीखेगा, तो ये मेंटल रिटार्डेशन इसी हो जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम होती है मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डिग्रेडेशन, किताबी नहीं लाया है, बहुत बड़ी खत्म हो गया,
कोई भी प्रॉब्लम है नहीं सर, तो क्रोमोसोमल है, थैलेसीमिया हो गया, फिनोसिटोनूरिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है हो गया। सही रही है मतलब बट अभी हम लोग पढ़े थे मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन विकार, अब पढ़ेंगे क्रोमोसोमल गुणसूत्री विकार।
इसके कौन डिफाइन कर सकता है, कौन इसका डेफिनेशन दे सकता है? इन्यूक्लियोटिड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटिड क्या होता है, एक क्लास पूरा इसे पढ़ाया हुआ है, नहीं बताया कोई भी नहीं नया बताया नया बताओ इन्यूक्लियोटिड पॉलीन्यूक्लियोटिड का डिफरेंस अर्थिंग क्या होता है इन्यूक्लियोटिड का होता है अपूर्णता क्या होता है बहुपूर्णता क्या होता है मरीज होता है नहीं हो रहा है
तो एड्स क्या है? एड्स जेनेटिक डिसऑर्डर है, है अनुवांशिक विकार है। एड्स अनुवांशिक विकार तो नहीं है, एड्स अनुवांशिक विकार तो है। एड्स तो ये वायरस से फैलता है, वायरस इसका नाम क्या है? तो ये कैसे कैसे कहते हैं अनुवांशिक कैसे होता है? कहाँ देखा कोई दोस्त? लड़की में लड़के में क्या उससे कोई दिक्कत नहीं? कैसे तुमको पता चले ठीक है? मैं समझ नहीं पता तुम्हें नहीं गलती कर रहा हाँ उसकी माँ का पैसा उसके बच्चे बैठ जाएंगे ठीक हो सकता है आता है बहुत सारे चांसेस आ जाते हैं। लेकिन ये अनुवांशिक नहीं, अनुवांशिक का मतलब क्या है कि जीन में कोई बदलाव हो रहा या फिर क्रोमोसोम में कोई बदलाव हो रहा सब इसको अनुवांशिक विकार बोलेंगे। जबकि डिसऑर्डर बोलेंगे एच आई वी में क्या होता है माँ का जो संहिता होता है जो संहिता बच्चे और माँ का कनेक्ट करते हैं उसके थ्रू वायरस आता है और बच्चे को एड्स क्रिएट कर देगा। मां के जीन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मां का जीन निकाल देंगे जैसे नॉर्मल होता है जनरल वैसे एड्स बीमारी वाले में वैसा ही कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है वायरस उसके बॉडी में है और कनेक्ट हो रहा है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा के थ्रू क्या आता है फूड न्यूट्रिशन सा है जो कि इसके एक्सक्रीटरी चीज है बच्चे का वो जाता है पड़ेगा बस तो उसके थ्रू क्या रहता है वायरस उसी प्लेसेंटा के थ्रू वायरस आ जाता है। बीमारी किसकी वजह से है? मां से नहीं आ रहा बीमारी वायरस से। बस ये कि मां का वायरस जो प्रोटेक्ट है वो बच्चे में भी आ रहा है। तुम किसी बच्चे को देखो जब बच्चा पैदा होगा तो नाड़ी बोलते हैं यहाँ पे जो अटैच होता है बाकी काट दिया जाता है उन्हीं लोगों को वही प्लेसेंटा होता है जो कनेक्ट करता है। और इनका काम क्या होता है? मदर से फूड ले जाए बच्चा छोटा तो खाना तो नहीं बना पाएगा ना तो मदर के ब्लड में ब्लड के थ्रू क्या हो जाएगा खून जाएगा उसके पास खून के थ्रू खाना जाएगा उसके पास और जब खाना खाने में जो एक्सक्रीटरी चीजें निकलेंगी मल वाला जो भी निकलेगा तो ये इधर वापस भेजेंगे फूड इधर आ जाएगा यही तक काम करने से काम मामलों में होता है। पर मम्मी के को क्या है मम्मी को क्या है एड्स है इस मम्मी को एड्स है इसके पास क्या कौन सा वायरस प्रेजेंट हो चाहिए वायरस प्रेजेंट हो तो ये वायरस इसी प्रेजेंटेशन की वायरस में चला जाएगा खून के रास्ते ठीक है। हमको पता है ना कि एड्स खून के थ्रू फैलता है सिंपल है खून के रास्ते इसके थ्रू चला गया। पर जीन में कोई बदलाव नहीं हुआ तो जब तक जीन में या क्रोमोसोम में कोई बदलाव नहीं होगा तब तक हमको नहीं बोलेंगे कि वो अनुवांशिक विकार है जेनेटिक डिसऑर्डर है ठीक। तो एड्स अब सिंड्रोम कहते हैं तो सिंड्रोम वर्ड यहाँ पे क्या रहा है तो यहाँ पे तो ये जो तुम लोग परिभाषा थी सिंड्रोम की गलत हो गई। सिंड्रोम की क्या परिभाषा दी तुम लोगों ने कि क्रोमोसोम में जीन अगर बदलाव होगा तो सिंड्रोम बोल देंगे पर ये तो गलत हो गया। यहाँ पे सिंड्रोम का क्या मतलब होगा? देखो सिंड्रोम और डिजीज में क्या डिफरेंस है? डिजीज और सिंड्रोम बीमारी और सिंड्रोम वर्ड आया तो कभी नहीं देखा। तो डिजीज में क्या होता है? एक सिंगल डिजीज है। इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज मतलब कई नंबर ऑफ डिजीज मतलब इसमें अगर ये डिजीज है एक पर्टिकुलर डिजीज के जितने लक्षण होंगे वो दिखेंगे सिम्टम्स जितने दिखेंगे और इसमें क्या ग्रुप ऑफ डिजीज के सिम्टम दिखने लगेंगे। मतलब अब एड्स में क्या होता है? एड्स में क्या होता है एड्स में नॉर्मल क्या हो जाएगा? टीबी भी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, मतलब ढेर सारी बीमारियों के लक्षण एक साथ दिखने लगते हैं। वो इसलिए तो क्या बोलते हैं सिंड्रोम। और डिजीज में एक पर्टिकुलर डिजीज के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा। बुखार आता है तो लड़का बीमार है सिंड्रोम नहीं है पर उसको अगर एड्स हो गया तो मतलब उसके पास सिंड्रोम है तो वो एक बीमारी का लक्षण है। मैंने ये नहीं कहा कि सिम्टम खाली एक सिम्टम आएगा, मैंने बोला एक डिजीज के सिम्टम आएंगे। वर्ड ऐसे बीमारी अलग अलग है। वो बीमारी क्या है? तुमको बुखार बुखार से बीमारी नहीं बुखार एक सिम्टम है। तुमको बुखार किस वजह से हो सकता है कि डेंगू हुआ हो डेंगू की बीमारी हुई ना हो सकता है तुमको वायरल हुआ हो सकता है किसी को कोरोना हुआ कई चीजें की वजह से वायरल आ सकता है बुखार आ सकता है। बुखार क्या सिम्टम है पर डिजीज तो एक अलग अलग वही ना एक डिजीज में कई सिम्टम होते हैं कॉमन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि एक डिजीज के सिम्टम आएंगे और यहाँ पे कई डिजीज के सिम्टम आएंगे ठीक।
ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम हिंदी में ट्राइसोमी को क्या बोलते हैं? अधिक गठित बोलते थे, एकाधिक एकाधिक गठित बोलते थे ना, एकादि सूत्रता अगर हो रहा है ट्राइसोमी हो रहा है किसमें? गुणसूत्र नंबर 31 में अगर ट्राइसोमी हो जा रहा है हो जाता है, ठीक? तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे डाउन सिंड्रोम, ठीक? अभी क्या है? क्रोमोसोम नंबर 21 कैसा है? ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है? अलिंगी है या अलिंगी है? अलिंगी है ना, ऑटोसोमल है। हमको पता है 1 से लेके 22 तक क्या होंगे? अलिंगी होंगे। फिर तो 23 वाला जो होगा वो क्या होगा? अलिंगी होगा। तो 23 वाला सेक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, ठीक? तो यहां पे हमारा ट्राइसोमी है, क्रोमोसोम नंबर 21 मतलब कैसा है? ऑटोसोमल है, ठीक? इसमें क्या क्या होता है ये देखना है। नॉर्मल है, इसमें पहली कंडीशन होगी मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, पहला हो जाएगा मेंटल रिटार्डेशन। दूसरी कंडीशन है इसमें शॉर्ट स्टेचर, मतलब हाइट क्या होगी कम होते स्मॉल। मतलब जनरली इसको डाउन सिंड्रोम होगा, जैसे क्रोमोसोम नंबर 21 एक बार बाद आ जाएगा तो ऐसा होगा, तो 1 2 3 ऐसे ऐसे करके एक क्रोमोसोम नंबर 21 ऐसी कंडीशन होती है। तो नॉर्मल अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 21 इसको लेते हैं 1 2 3 इधर 4 से लेके
प्रोड्यूसिंग क्या मुंह अलग लगा है अभी तक का भी निकली रहती है मतलब यहाँ कैसे ये निकली रहती है ठीक ऐसी कंडीशन में जीप आता निकली हुई होगी ठीक अगर ऐसा मुंह खुला है मुंह खुलेगा तो जीप अपने आप अलग प्रोड्यूसिंग टंग टंग बाहर निकलना प्रोड्यूसिंग रहती है प्रोड्यूसिंग टंग है अब ये सारे कैरेक्टर किससे पाए जाएंगे डाउन सिंड्रोम का जो भी व्यक्ति होगा वो पाया जाएगा अविकसित अंडाशय रूडिमेंट्री को बोलते हैं अविकसित
एक होता है विकास पूरा हो जाता है ओवरी का, मतलब नॉर्मल फंक्शन करेगा, ओवरी बने नहीं यहाँ पे, पर जब कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है, मतलब आधा अधूरा होने का। दूसरी कंडीशन सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर, मेल के अंदर
गायनेकोमेस्टिया मतलब फीमेल कैरेक्टर का मेल में आना, वही नीचे फॉर्म में बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। इसमें तुम्हारा क्या होता है ब्रेस्ट डेवलप होता है, नॉर्मल क्या होता है ब्रेस्ट डेवलप नहीं होता है, मान लो हो जाएगा। दूसरा जो मूंछें ऊंचे आती है ना बी आर डाय मॉस्ट्रेट वो नहीं आएंगे, ठीक है। आवाज की क्या होगी कुछ हाई रहेगी, आवाज हो जाएगी। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे तुम्हारे मेल में आएंगे। दूसरा ये भी कैसा होगा स्टेराइल होगा, ये कैसा होगा स्टेराइल होगा, स्टेराइल होगा ना सिंपल सा है कि जो वाई है ये फंक्शन नहीं कर रहा था, ये एक एक्स है वाई को परेशान करेगा, जिससे जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट उतने बेहतर नहीं बन पाएंगे, ठीक। इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं रूडिमेंट्री टेस्टिस पाई जाएगी, सर लिख सकते हैं रूडिमेंट्री टेस्टिस। अच्छा उसमें होता है कि एक नॉन डेवलपमेंट ऑफ वजाइना भी हो जाता है कभी कभी, ठीक। यहाँ पे जो होता है पीनस जो है बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल पीनस, ठीक है। पीनस जो क्या बहुत स्मॉल रहेगा, थोड़ा सा पीनस रहेगा, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइन फिटर सिंड्रोम। अब जाके तुम लोग इसकी फोटो देखना, मेरे पास फोटो नहीं है पर गूगल पे सब लोग जाके देखना, तो बायो पढ़ो तो सरकारी की जरूरत नहीं है, देखो और समझो क्या 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 बीमारियां हैं। जब पिक्चर देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा तो ऑप्शन आएगा तुम लोग मार लो एक से कंट्रोल हो जाएगा। टर्नर क्या था, अच्छा मेल था, एक नाम से तो टर्नर और मेल लग रहा है, तुम लोग मार दिया। जब उसका देखोगे जाकर फोटो देखोगे ना तो तुमको ज़्यादा चौड़ा चपटा चेहरा है, गोल पूरा जो हेड है वो कैसा है गोल है, सिर का भाग पिछला चपटा है। अच्छा एक चीज बता रही है पाम प्लीज बजा के बता रहे हैं, पाम प्लीज इधर देखो लड़का है इसके ब्रेस्ट डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके जो पीनस है बहुत छोटा सा पीनस जो है अनडेवलप्ड पीनस है ओवरी, और उसके बारे में नहीं दिखा रहा, तो ध्यान से पिक्चर को देखना और भी मोर एक्यूरेट पिक्चर देखनी है तो आप गूगल पर सर्च मार के पिक्चर को एनिमेटेड पिक्चर दिखाएंगे उसको देख के तुम लोग समझ सकते हैं। तो जाके ये होमवर्क है सबका, सब लोग देखेंगे। एक एक डाउन सिंड्रोम में एक पॉइंट लिख लेना पाम प्लीज, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम में लिखना डाउन सिंड्रोम में लिखना पाम प्लीज। नॉर्मल हम लोग का हाथ देखो ना ढेर सारी रेखाएं, ये रेखा ये रेखा ये रेखा ढेर सारी रेखाएं, उनके में सिर्फ एक सिंगल रेखा रहेगी जो सीधे ऐसे काटेगी, एक नॉर्मल सीधा रेखा। तो डाउन वाले को तुम ऐसे पहचान जाओगे ना मेरे पे ढेर सारी रेखाएं मतलब मुझे डाउन सिंड्रोम नहीं है, और एक रेखा होती सीधे बीच में ऐसे सेंटर में एक रेखा खींची गई होती तो ये क्या होता है डाउन सिंड्रोम का कैरेक्टर, ठीक। अभी नहीं होता है ठीक। अब हम बताते हैं कैटेगरी एनालिसिस पे, टाइम बचा है यार लेट हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा तुम लोग दे सकते हो तो 15 मिनट दे दीजिए, 15 मिनट पढ़ा देना ठीक। कैटेगरी थोड़ा सा कर सीख लेते हैं तो प्रैक्टिस घर पे जाके करो, घर पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, इस चैप्टर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे तो सब लोग आना, कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं तब होते हैं इंडिकेटर पर, पर आज जो फॉर्मूला बताया उससे तुम लोग सब लोग कर लो that's
डिंगर होता है उसमें क्या नहीं समझ आया, बहुत सारी चीज़ नहीं समझ आ रही है। क्लियर कर दो, ट्रैकिंग मतलब पता है, ट्रैक करना होगा कि तुम लोग सामान मंगाते हो, ट्रैक करते हो कहाँ पहुँचा, पीलीभीत में दिल्ली निकल गया है तो ट्रैक करना ना, तो उसी को हम लोग पता करना ट्राई नहीं करता कि फैमिली हिस्ट्री को, किसी परिवार के इतिहास को जब हम लोग ट्रैक करते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड के, कोई निश्चित ट्रेड क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर ट्रेड के लिए अगर हम लोग किसी के फैमिली हिस्ट्री को क्या करें, कई जनरेशन तक स्टडी करें, उसी को क्या बोलेंगे, या फिर ट्रैकिंग स्टडी लिख सकते हो, स्टडी ऑफ विक्टोरिया रानी कैरियर थी उनके बच्चों में कैसे गया, और नीचे कैसे गया, तो पूरी हिस्ट्री बनाए चार्ट में, उसी को हम क्या बोलेंगे, पेडिग्री एनालिसिस बोलेंगे। मतलब कोई पर्टिकुलर एक ट्रेट है जिसके बारे में हम कई जनरेशन तक स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करके फैमिली ट्री बनाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, पेडिग्री एनालिसिस बोलेंगे, वंशावली विश्लेषण बोलेंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा कोई आगे। अब देखो चार तरह के डिजीज जो उनको एग्जाम में आता है, चार तरह की चीजें हमको जाननी है। हमने क्या पढ़ा है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, अलिंगी अप्रभावितता। दूसरा पढ़ा ऑटोसोमल डोमिनेंट, अलिंगी प्रभावितता। तीसरा पढ़ा सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और चौथा पढ़ा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। यही चार कैरेक्टर हमको पहचानने पर डिग्री दिया जाएगा, मैं पूछूंगा कि इनमें चार ऑप्शन में यही चार ऑप्शन नहीं पहचान पाऊंगा, यही होता है ना क्वेश्चन रिजल्ट अलग। तो इसके लिए एक नियम है, नियम हम लोग अभी एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट के जो नियम लिखते हैं उसका तुम लोग कल से सारे पेडिग्री के सारे क्वेश्चन करने लगो। ठीक, ये इतना समझ में डेफिनेशन समझ में आ जाए ना, चलो चार्ट बनाते हैं। ये चार मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, अलिंगीय प्रभाविकता, अलिंगीय अप्रभाविकता, लिंगीय प्रभाविकता और अलिंगीय अप्रभाविकता। ठीक, कोई दिक्कत, अगर इसका चार्ट बनाते हैं पहचाननी है कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है,
तो पहले देखेंगे मान लो ऐसा ये वाला इसी वाला आपको सब बना ये कंडीशन है ठीक। अच्छा तुम लोगों को डिग्री में हमको मैंने फीमेल में फीमेल में ठीक है सिंबल में बता देंगे ये जो ये जो सर्कल बनाएंगे किसके लिए होगा फीमेल के लिए ध्यान ये पहले बना लेते हैं चार्ट पहले ये सर्कल जो होगा किसके लिए होगा फीमेल के लिए होगा ये स्क्वायर में बॉक्स बनाएंगे किसके लिए होगा मेल के लिए होगा ऐसा इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर देंगे मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा क्रॉस ठीक है क्रॉस इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है तो हम लोग इसको इन दोनों को एक सीधी लाइन से कनेक्ट करते हैं ऐसी कंडीशन है तो सेक्स अननोन सेक्स नहीं पता है अननोन सेक्स मतलब मेल है या फीमेल है ये हमको नहीं पता कैसा है अननोन सेक्स ठीक अगर ऐसी कंडीशन है ठीक है तो ये अफेक्टेड है अफेक्टेड मेल या फीमेल ये अफेक्टेड मेल या फीमेल नॉर्मल है सिंपल है तो नॉन अफेक्टेड नॉन अफेक्टेड किससे अफेक्ट की बात कर रहा है किसी डिजीज से मतलब इससे इसका मतलब क्या है इस पर्सन को जिसके में ये दिखाएंगे वो पर्सन के अंदर डिजीज है पर्टिकुलर डिजीज है या ट्रेट है जो भी चीज़ को हम लोग लेंगे हम यहाँ पे डिजीज के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ डिजीज से बट एज यूनिवर्सली ट्रेट के लिए होता है तो अगर ये पर्टिकुलर डिजीज है तो उसको हम लोग ऐसे ऐसे से कर दें चाहे ऐसे मतलब कलरफुल कर दें बॉक्स बना दें तो बोलेंगे नॉर्मल है तो अनअफेक्टेड इतना अगर पता है तो आगे हम लोग देखेंगे इतना कन्फ्यूजन नहीं है याद कर लेते हैं आसान ठीक अभी वो क्या कर रहा है इसमें बोल रहा है ये ए जनरेशन है इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई एक मेल है एक फीमेल है इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई मीटिंग के लिए सीधा सिंपल क्रॉस है मीटिंग ठीक इनसे प्रोजेनी हुई प्रोजेनी मतलब संतियां हुई ठीक तीन चार कितनी बना लो जो डिजीज है पर्टिकुलर जो पेडिग्री बनी है किसके लिए बनी है
ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए पेडिग्री बनी है। ठीक, दो कैरेक्टर हम लोग देखेंगे। ऐसे उसका क्या करेगा, ऐसे चार्ट बना के देगा, अलग अलग टाइप का चार्ट बनाएगा और उसको पहचानना होगा कि ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो हम लोग पहला क्या क्या करेंगे, थर्ड जनरेशन में बीमारी है, अच्छा इसमें भी है, ये जनरेशन हो गया, ये दूसरी जनरेशन हो गई, ये तीसरी जनरेशन। ठीक है, तो तीनों जनरेशन, यहाँ पे दो लोग बीमार, यहाँ पे भी दो लोग बीमार, यहाँ पे एक लोग बीमार। नंबर से मतलब नहीं, बीमारी है ना, तो हर जनरेशन में बीमारी हो रही है, तो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है, स्किप का मतलब बच जा रहा है, छूट जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे चलो क्रोमोसोम ऑटोसोमल डोमिनेंट की पहली शर्त पूरा कर रहा है। दूसरी शर्त क्या है, अफेक्टेड पेरेंट, दोनों पेरेंट अफेक्टेड है फिर भी उनका एक बच्चा जो जा रहा है निकल जा रहा है, उसको बीमारी नहीं हो रही है। तो मतलब हाँ अच्छी बात है, तो बीमारी नहीं हो रही है, तो ये भी किसकी कंडीशन है, कैसे डिजीज हो गई है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का कंडीशन होगा। ठीक, तो अगर कोई भी पेडिग्री दिया जाए, ये दो कंडीशन दिया जाए, तो वो बता दिया जाएगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं है पक्का। चलो ठीक है, चलो बाकी कल बनाएंगे। अच्छा एक भी बीमार ना हो, मतलब इस जनरेशन में कोई बीमारी ना हो, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। मतलब अभी पहले दो कैरेक्टर बताए जिससे पहचान पाए ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं, आगे तीन कैरेक्टर कल हम लोग पढ़ेंगे आराम से। सुनित आया नेहा, नरेश, जितेंद्र, हेमंत, और कोई है? हो गया।